लॉर्ड मम्मी जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं जी मम्मी जी, जी? हम लोग अच्छे अरे हैं और बहुत बड़ी गवाही है, प्रभु जी ने बहुत आशीष दी है मम्मी जी। हाँ, अरे ये गवाही मैं देना चाहती थी। परमेश्वर ने, जब आपने बोला था कि 31st में एक बीज बोना है, सीड बोना है 5,000, हाँ, तो मेरे मन में आया कि प्रभु जी के लिए मुझे करना है। मतलब थोड़ा सा जो मेरे पास गोल्ड और सिल्वर था उसको ले जाके मैंने मतलब सेल करने के लिए सोचा कि इसमें पता नहीं 5,000 हो पाएगा कि नहीं, पर परमेश्वर ने 6,000 दिया। और जब मैंने वो छोटा सा दान बोया, फिर मेरे मन में इच्छा थी कि नहीं, मैं और बड़ा बोना चाहती हूँ परमेश्वर के राज में, कि काश मैं वो 50,000 कर पाऊँ, कुछ और बड़ा कर पाऊँ। और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और पापा की एक प्रॉपर्टी है उस पे, मतलब कोई आएगी उसको बटिए से ले सकते हैं, मतलब कुछ समय के लिए उस जमीन को लेना चाहते हैं, और उन्होंने मतलब एक अमाउंट तय किया था। फिर हम लोग प्रार्थना करते रहे, वो डील नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने मिनिस्ट्री में भी फोन लगाया कि प्रार्थना करें सिस्टर जी ये डील हो जाए, तो मैं एक वो जो सीड बोना चाहती हूँ मिनिस्ट्री में वो बोने पाऊंगी। तो सिस्टर से मैंने प्रेयर किया कराया, और दूसरे दिन जब वो डील होने वाली थी, तो पापा को भी प्रभु जी ने ऐसी बुद्धि दी कि उन्होंने वो डील करने पाए, और फिर हम लोग वो बीज बोने पाए। तो बहुत परमेश्वर ने वो वचन भी दिया था कि जो वो बीज भी जी बीज भी देगा बोने के लिए, तो प्रभु जी ने वो बीज दिया, हम करने पाए। बहुत आशीष है मम्मी जी, इतनी आशीष है। मिनिस्ट्री में जुड़ने के बाद हम लोग अपनी लाइफ में इनको भी नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को, अरे प्रभु जी ने, मुझे जो मेरी छोटी सिस्टर को भी 3rd ईयर में पहुंच गई। हर तरीके से हम लोग ब्लेस हो रहे हैं मिनिस्ट्री में, आत्मिक तरीकों से भी, और शारीरिक और भौतिक हर चीजों से हम लोग ब्लेस हो रहे हैं। हम लोग बहुत देखे कि परमेश्वर ने हमें मतलब ये मौका दिया, बहुत आनंदित है। हमने अपनी लाइफ में इतनी आशीषें देखी, ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हुए देख रहे हैं हम लोग, जो सालों से हमारी चीजें नहीं होती थी, परमेश्वर ने हमको सच में बहुत ब्लेस किया। जनवरी में उपवास का लास्ट संडे था ना, हाँ उस दिन मैं बैठा था तो अचानक मेरा शरीर पूरे गर्म हो गया। अब गर्म होने के बाद मुंह से मतलब आवाज निकलता, लू लू लू, मतलब इतना ऐसा करके निकल रहा था। तो उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो मेरे को करीबन 4 साल से मैं मसीह में हूँ। तो बीती हुई बातें मामा जी, मेरे को याद आया कि आप प्रभु जी से बोलता था कि प्रभु जी एक बार मुझे छू लीजिए। तो मामा जी, पहले हमको कुछ मालूम नहीं था, जब से आपसे कांटेक्ट हुए तब से मेरे को कुछ मालूम हो रहा है। बाकी वैसे सिर्फ पढ़ते हैं और धन्यवाद धन्यवाद ऐसे ही करते रहते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आया मामा जी, तो मैं करीब 10 दिन हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था मामा। तो 10 दिन के बाद मेरा सिगरेट वो खत्म हो गया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे जीवन की यही गवाही है, जब मैं प्रभु में नहीं था हाँ तो मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में सबसे ज्यादा मेरे शरीर में इलाज हुआ था। तो हमेशा मैं बीमार रहता था पहले, तो हमारे ऊपर बहुत सारे जादू टोना, अलग अलग जादू टोना होते थे, और मैं जितना बार, साल में 2-3 बार हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ता था। तो जब मैं इस होटल में आया, तो 2-3 महीना के बाद बसंत जी भी इधर आया होटल में, तो उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया कि जब प्रभु के मानोगे तो आपके जीवन से ये सब सब दूर हो जाएगा। तो मैं पहले नशा भी करता था, सिगरेट दारू सब पीते थे, तो मैं प्रभु में आ भी गए थे, तब पर भी मैं दारू सिगरेट पीते थे, तब पर भी नहीं छूट रहा था। तो मैं सोचता था मैं तो संसारिक में हूँ, फिर मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे प्रार्थना करते गया, मैं उसके बाद क्या करते गया, जब प्रार्थना किया मेरे जीवन में काम आया कि प्रभु ने उस टाइम से मुझे आजाद किया, हर एक बीमारी से, हर एक को जादू टोना से, और हर एक नशे पानी से भी छुटकारा दिया प्रभु ने। और जब से मैं प्रभु में आया 2019 से, अभी तक कुछ एक इंजेक्शन चाहे गोली भी नहीं खाया होगा, मेरे शरीर में कुछ भी नहीं हुआ तब प्रेज द से। कोई लॉर्ड। मेरे अभी तक जादू टोना मेरे मेरे जीवन में अभी तक नहीं हुआ, और न कुछ तकलीफ मेरे जीवन में आया, और अभी तक मैं प्रभु में आनंदित हूँ। मामा, मैं भी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। ब्रेस्ट में गांठ जैसा लग रहा था 22 जनवरी को, मतलब दर्द शुरू हुआ, उसमें सुई के जैसा चुभन आता था मामा। और तो 22 जनवरी को भी हमको टेंशन हुआ। तो ये जो 13 तारीख को भी हम चर्च में शामिल हुए, उस दिन थोड़ा और लेट करके शामिल हुए, लेकिन फिर भी वचन हम सुनने पाए, थोड़ा सा काम करते करते ही और बैठे। और मामा, उसके बाद जो है हम मतलब पूरी तरह से हमको दर्द नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा है मामा। पहले जो जो शुरुआती समय में बहुत मतलब कड़ा टाइप का लग रहा था, अभी थोड़ा सा नरम भी है मामा।
और दूसरी बात जो आप 23 जनवरी को जो अनोइंटिंग तेल को अनोइंटिंग किए थे प्रार्थना में, तो हम भी रखे थे, तो वही तेल मामा हम कान में लगाए थे ना, तो 5-6-7 साल होगा मामा, कितना दिन से पैक था मेरा कान में गंदा, कभी कभी लटपट करके निकलता था, थोड़ा थोड़ा बार बार साफ करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो हम लगाए थे तो 1 हफ्ता के लिए हम छोड़ दिए थे, जब हम साफ किए बाद में, तो जानते हैं मामा एक बार में मतलब कोई ढक्कन की तरह निकल गए एकदम काला करके मामा। अच्छा, पूरा 7-8 साल से प्रॉब्लम थी। हाँ मामा, कान में कभी हम नरम करने के लिए दवाई उवाई भी, क्या ईयर वैक्स ड्रॉप जो बोलता है उसको भी लगाए थे, इसके बाद तेल उल भी डालते थे, लेकिन कभी नहीं निकलता था, लेकिन आश्चर्य लगा हमको मामा, वो तेल से हम बहुत, हम जरूर देंगे, हम छोटी सी गवाह भी देंगे, बहुत क्लीन लगता है एकदम कान सब भी साफ। मामा जब हम पार्टनर नहीं बने थे उसके पहले आपका प्रोग्राम हम देखते थे, तो ऐसा था कि जब हम प्रोग्राम देख के अपना बच्चा को जब हम दूध पिला रहे थे ना, तो ऐसा हुआ कि सिर पर ऐसा तेल गिर रहा था और यहाँ से ऐसे ऐसे गिर रहा था, तो हमको लग रहा कि ऐसे पूछ रहे बार बार कि ऐसे कैसे मेरे सिर से कैसे तेल गिर रहा है, इस तरह से मेरा जीवन अनुभव हुआ था। उसका फिर पर हम पार्टनर बने, उसका परमेश्वर मेरा बहुत सारा बंधन तोड़ा है मेरे जीवन का, और मेरा बच्चा के लिए प्रेयर करवाया था अनुग्रह के लिए, वो बोलता नहीं था सेंटेंस में, मगर वो अब बोलने लगा है, और पहले नहीं सुनता था मेरा, मगर अब बात भी सुनने लगा, अच्छा से बात तो भी करता है, और मैं पढ़ाई करने के लिए भी जा रहा है, सेंटेंस से बात नहीं करता था और बहुत अजीब तरह का बिहेव करता, बहुत चिल्लाहट टाइप का आवाज करता था, और क्या एक शैतान कैसे क्या साइन टाइप का नहीं होता है ऐसा चेहरा मां को दिखाया था, तो वैसे हमको लगा कि इसके अंदर में इस तरह का दुष्ट आत्मा कुछ काम कर रहा है, उसके बाद से प्रेयर ऐसा करते रहते, तो फिर आपसे भी 4 साल से बोलता नहीं था क्लियर। जी जी, अभी पूरा अच्छे से बोलना शुरू हो गया, मामा बोलने लगा है अब। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर। हाँ मामा जी, मैं हॉस्पिटल में थी और जैसे मैंने आपको बोला था व्यभिचार आत्माओं के लिए कि मुझे नींद नहीं आ रही, सोने नहीं दे रहे, तब आपने प्रेयर की थी, तब से बंद हो गया, मतलब सो रही थी उस दिन, सो गई अच्छे से, लेकिन फिर और दूसरे अटैक होने लगे, लेकिन मैं फिर प्रेयर सेंटर से प्रेयर लेते रही, आपने बोला था डिस्चार्ज जल्दी मिले, तो उसके बाद वेनसडे को तो मिल गया, लेकिन एक ड्रेन नहीं निकाला था, एक ड्रेन लेके आई थी, और जैसे मुझे पता था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो डॉक्टर जो देख के उनको और ही डाउट होने लगा, फिर मैं हर समय जब टेस्ट करने जाती तो कॉल करती प्रेयर सेंटर से, तो रिपोर्ट अच्छा आया, मतलब पाइप ने कुछ जख्म कर दी थी इसीलिए वो पल्स आ रहा था, उनको लग रहा था कि पेट के अंदर से ही हो रहा है। क्या क्या हुआ पहले, क्या आप हॉस्पिटल में एडमिट थी? पेट दर्द करने लगा मेरा, पहले तो लड़की बीमार हुई साक्षी, फिर इनके लिए मम्मी बीमार हुई, सबके लिए मैंने प्रेयर किया, सब तो ठीक हो गए, लेकिन जब मेरा दर्द होने लगा, मैं कॉल लेती थी और रह भी जाता था मेरा दर्द, और 5 दिन ऐसे लगातार, मतलब कभी उल्टी हो रही है, कभी ठंडी बुखार हो रहा है, फिर मुझे पता भी नहीं चला कि इतना मुझे कुछ परेशानी है, फिर वो अपेंडिक्स फूटा, बहन ऐसे ही चेक करवाने के लिए लेके गई, हस्बैंड तो यहाँ नहीं रहते, आर्मी में है, तो उधर तो डॉक्टर ने, मतलब रिपोर्ट में इतना कुछ नहीं था, लेकिन जब ऑपरेशन करने के लिए लिया तो वो सब डर गए, मतलब पूरा पॉइजन शरीर में फैल गया। ओके, हाँ, तो मम्मी आई, फिर वो बोल रहे थे 2-3 ऑप्शन रखा कि मम्मी बोली तुम लोग फर्स्ट वाला ही करो, उसी में आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, 24 घंटे की गारंटी दी थी, लेकिन ऑपरेशन के समय में मैंने देखा सब सुनाई दे रहा था बाहर की भी आवाज, लेकिन मैं क्रूस लेके आगे चली हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे लेडीज एक क्रूस लेके चल रही है। अच्छा, तो मैंने स्वर्ग दूतों को भी महसूस किया, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। 3 दिन बहुत मैं अच्छे से रही, 24 घंटे में, मतलब मेरा बीपी वगैरह सब नॉर्मल था, उनको गारंटी नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर अगर इनको होश नहीं आता है तो तुम लोग आगे की तैयारी में रहो करके, और अच्छा, डॉक्टर जवाब दे गया था कि 24 घंटे अगर होश नहीं आया तो जवाब है हमारा। हाँ, मतलब कुछ जिएंगी मरेंगी कुछ गारंटी नहीं है। ओके, हाँ, तो हस्बैंड को भी इमरजेंसी में डॉक्टर ने बुलवाया था, लेकिन मम्मी थी, मम्मी भी प्रेयर करती, वैसे ग्रुप में इतनों को मैंने जोड़ा है, सभी मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे, आपके इधर से भी प्रेयर हो रही थी, मम्मी ने आपसे भी प्रेयर कर लिया था, बिल्कुल, और बच्चे, हाँ, बच्चे भी ले रहे थे आपसे प्रेयर, जिनके जिनके पास आपको थे सब प्रेयर आपसे ले रहे थे मेरे लिए,
तो 24 घंटे के अंदर क्या दोपहर को ऑपरेशन हुआ, शाम को ही मुझे होश आया और सब नॉर्मल था। लॉर्ड दो दिन मेरे बहुत बेस्ट गए और फास्टिंग प्रेयर थी, मुझे लगा था कि मुझे कूद के प्रेयर करने की आदत है, नाच के थोड़ा तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब आपकी प्रेयर सुनती थी तो लग रहा है कि नीचे से ट्रेन चल रही है, मैं हिल रही हूँ, मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था बेड पे। लेकिन 4 दिन के बाद वो व्यभिचार के आत्माओं का अटैक चालू हुआ और एक नहीं बहुत सारे थे। फिर प्रभु ने ऐसा नहीं कि मार्गदर्शन किया नहीं, वो बोले तुझे सब कुछ दिया तू यूज कर, जैसे करती वो जाते, वो दूसरा आता, ये तीसरा, मैं इतना मतलब ये हो गई, मतलब मैं 15 दिन जैसे अगर मैं घर में रहती तो 5-6 घंटा प्रेयर करती, लेकिन हॉस्पिटल में 15 दिन सोई नहीं, बस वचन और प्रभु से बात ही कर रही थी, क्योंकि उस टाइम हालत ही ऐसी थी। मैं कहती हूँ पेट का दर्द तो युद्ध में ज्यादा लड़ना होता है, तो आप युद्ध के प्लेस में थे। दूसरा गया नहीं, और ये किसी को मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और मुझे सबसे बुरा ये लग रहा था कि चलो पेट है, दर्द है, वो मैं घृणा जिस चीज से करती हूँ, 5 साल से लड़ रही हूँ वो आत्माओं के साथ। फिर आपसे बात हुई तो थोड़ा मतलब हेल्प मिली, मुझे बहुत ही हेल्प मिली, और उसके बाद डिस्चार्ज भी हुआ और अभी घर पर हूँ, थोड़ा बहुत है, ठीक है, आजाद है। का आप आए जब आज की मीटिंग थी और मैं तो सो गई थी, वो टैबलेट चालू तो नींद आती थी, तो सपने में आप आए, हुआ है मैं सोई हूँ साइड में और जैसे धक्का दे रहा है मुझे कोई, बार बार गिर रही हूँ, और आप उसको लुसिफर करके बोल रहे हो कि तूने इसका चेहरा खराब किया, ये खराब किया, वो खराब किया, लेकिन ये प्रभु का काम करेगी। गॉड ब्लेस यू। मुझे, मैं गवाही शेयर करना चाहती हूँ। हम जैसे हम जहाँ पर रहते हैं मामा जी, वहाँ पर जो जमीन का जो कागज पत्र हमारे नाम पर करने का कराना था, तो हम ऑफिस गए थे, तो वहाँ पर हम लोग को मना कर दिए कि ये आपके नाम पर नहीं होगा, इसे बोले थे। तो उस टाइम में परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी कि मैं बोली कि परमेश्वर आप चाहे तो हो सकता है, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरे लाइफ में पूरी होने पाए। तो मामा जी वैसे मैं 2 महीने के लिए मैं प्रेयर की, तो उसके बाद हम 2020 को हम मिनिस्ट्री गए, आपके वहाँ गए थे, तो वहाँ पर हम 2 दिन रुके थे, 2 दिन वहाँ पर सेवा के लिए भी गए थे। वहाँ पर जो जहाँ पर मैं वहाँ जो चर्च में गई जंगेरा पर, तो वहाँ पर मामा जी जैसे ये हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं घूमते घूमते एक जहाँ पर आप नींब डाली थी वहाँ पर मैं पहुंच गई, तो मेरे को देख देखी कि वहाँ पर बहुत मुझे खुशी महसूस हुआ। तो वहां पर मैं 1-2 मिनट रुकी थी मामा जी, उसके बाद मेरे अंदर से ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं वहां पर मिट्टी उठा कर ले आऊं, तो वहां से मेरे आत्मा ने उसे बोला, तो मैं वहां से मिट्टी उठाकर मामा जी मैं वहां से लाकर आई, किसी को नहीं बोली मामा जी, वैसे ही मैं लाकर आई और ओडिशा लेकर यहाँ पर आई। उसके बाद मामा जी जैसे 2020 ये कम्प्लीट हुआ, 2021 में तो मैं उस बात को मैं भूल गई मामा जी। तो उसके बाद कुछ लोगों ने आए, आप बोले कि आप ऐसे ऐसे आपका जमीन का कागज पत्र अप्लाई किए थे, मैं बोली कि मेरे मालूम नहीं है ऐसे बोले, तो उन लोग बोले कि नहीं ये तो आपका नाम पर है बोले, तो मैं बोली ठीक है, तो मेरे को बोले कि आपको बुलाए, तो मैं थोड़ा सा मामा जी डर गई, तो मैं बोली कि सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर मैं छोड़ दी। तो वहां पर मैं गई और वहां पर कुछ भी नहीं बोले मामा जी, कुछ भी नहीं बोले, और 2-3 महीने के अंदर ही पूरा वो जमीन का कागज पत्र हमारे 2 बहन के नाम पर होना रजिस्ट्री हो गया। अब मैं उसके बाद मेरे को ऐसा परमेश्वर ऐसा मिरेकल कर दिया। तो उसके बाद मैं जब देखी कि वो मिट्टी जो हमारे घर में है जो चंगेरा की चर्च से मैं लाई थी और वहां देखिए, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं। और सचमुच पिंकी, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे।